रोशा दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए सुबह सुबह एक वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा 2 दिन की छुट्टी है तो आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ दी जाए जो आपको मंडे को ट्रेडिंग करने में हेल्प करे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और इंडिकेटर वही यूज़ करने वाला जो आप यूज़ करते आए हैं, बट उसको बिल्कुल पॉलिश करके, एकदम रिफाइन करके, उसको एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है, सेटअप क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 1 2 3, बिल्कुल ABC की जैसे हैंड होल्डिंग। बिल्कुल भी जल्दी नहीं बोलने वाला हूँ, धीरे धीरे बोलने वाला, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि लोग कहते हैं सर आप बहुत जल्दी बोलते हो। मेरा बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट मैं जल्दी बोलता हूँ, बट कोशिश करेंगे थोड़ा सा धीरे बोलने की और आपको एक अच्छा सा कंटेंट देगी। तो प्लीज वीडियो में बने रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके लाइक ही हमें बताएंगे कि आपको ये कंटेंट पसंद आया या नहीं। अगर आपको आया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कैसी स्ट्रैटेजी के ऊपर होनी चाहिए। जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप कहेंगे उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूंगा। चलिए, मैंने आपको निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा रहा हूँ, और इसको आप किसी भी स्टॉक्स के ऊपर में, किसी भी ऑप्शंस के ऊपर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, स्टॉक्स के ऊपर करके देखेंगे, बैंक निफ्टी के ऊपर करके देखेंगे, निफ्टी के ऊपर करके देखेंगे, ऑप्शंस के ऊपर भी करके देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकता है, लर्निंग है, एजुकेशन है, लंबी हो सकती है, शॉर्टकट में मत पढ़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट में पढ़ के आप पहले ही लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हो। अब उस नुकसान को रोक दीजिए। प्रोफेशनली सीखना है तो 24 अप्रैल को दिल्ली की क्लास है, उसके बाद बाकी और जगह क्लास होने वाली है। आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एक दिन की पूरी प्रोफेशनल क्लास होगी जहाँ पूरा अच्छे से सिखाया जाएगा कि बाजार को एक्चुअली कैसे देखा जाए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, कैसे ट्रेड लिया जाए, कब घुसा जाए ट्रेड में, कब निकला जाए, कितना प्रॉफिट को ट्रेड कर सकते हैं, विनिंग स्टॉक्स को कैसे होल्ड किया जाए, सब चीज़ें सिखाने वाले हैं। ब्रेकआउट्स कैसे फाइंड किए जाए, स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट की जाए, कॉल ऑप्शन बाइंग कैसे की जाए, कॉल या पुट ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग कैसे की जाए, ऑप्शन राइटिंग कैसे की जाए, सब चीजें करने वाले एक ही दिन के अंदर, मास्टर क्लास, इसलिए इसका नाम रखा है मेरे गाइस। तो चलिए, मार्केटिंग बहुत हो गई, अब हम देखते हैं निफ्टी को। तो सबसे पहला रूल आपको क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आपका जो चार्ट रहेगा वो रहेगा 5 मिनट का। 5 मिनट या 15 मिनट पसंद करते हैं लोग, 5 मिनट्स को प्रेफर कीजिए, क्योंकि हर 5 मिनट में पोजिशंस चेंज होती हैं, इंट्राडे में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, तो वॉलेटिलिटी आपको कैच करनी आनी चाहिए। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो काम करते ही होंगे, वेल डन, वेरी गुड, करना भी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट अगर 5 मिनट की कैंडल को देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बहुत तरह की कैंडल्स आपको बनती है। कुछ कैंडल्स आपको ऐसे एकदम से, जब ग्रीन बाजार चल रहा है तो आपने देखा कि एकदम से बाजार में झटका आने लगा है ना, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ से बाय में बैठे थे और जैसे ही आपके सामने एक रेड कैंडल बनती है तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तो इतना सा ट्रेड लेना आसान नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कम से कम एक ट्रेड को, एक कैंडल को बनने में एक कैंडल का वो सपोर्ट चाहिए, कम से कम 2 कैंडल बने जैसे तो हम तीसरी कैंडल पर ट्रेड लेंगे, हम जनरली ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप देखा तो यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस फेस हो गया, करेक्ट। तो जब रेजिस्टेंस फेस हो जाता है तो आप उसमें एग्जिट कर नहीं पाते हैं, आपको लगता है नहीं इसको शायद क्रॉस करेगा, इस बार ब्रेकआउट देगा, पर वो ब्रेकआउट नहीं हो पाता, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि वो ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। तो कैंडल स्टिक्स में जैसे ही रेड कैंडल बनी आपको डर लगने लगेगा, फिर आपके पास में एक डॉजी काइंड ऑफ कैंडल आएगी तो आपको लगेगा नहीं भाई सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर का विक है, तो आप रेड कैंडल में आ जाएंगे, फिर आप यहाँ पर भी डरने लगेंगे, फिर आप यहाँ पे भी डरेंगे, यहाँ पे भी डरेंगे, यहाँ पे भी डरेंगे, फिर तुम जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी आप बाय करेंगे, रेड में निकल जाएंगे। तो ये ना इंट्राडे वालों के साथ हार्ट बीट ऊपर नीचे चलती रहती है। तो इस हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए पहले इस नॉइस को कट करते हैं, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता इस कैंडल के ऊपर में तो ये तो बहुत ही परफेक्ट डॉजी कैंडल है, बहुत ही परफेक्ट कैंडल है, हैमर कह सकते हैं, बुलिश कैंडल कह सकते हैं, जैसा आपका मन कहे आप यहाँ पे डिमांड कह सकते हैं इस कैंडल के ऊपर में, क्योंकि नीचे की विक मोर देन 80% है, छोटी सी बॉडी है बट यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ है, पर बॉडी बहुत बड़ी, कैंडल बहुत बड़ी है और विक बहुत लंबा है नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ कैंडल में विक बड़ा होता है तो ऑफकोर्स उसको बाइंग सिग्नल कहते हैं। बट थोड़ी ही देर के बाद में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद फिर से सेलिंग चालू हो जाती है। तो इंट्राडे में जब आप ये नुकसान खाते हैं तो आप बाजार से बाहर हो जाते हैं। तो इन नुकसान को ना खाया जाए, समझा जाए कि बाजार में ट्रेड एक्जैक्टली कैसे करना है, इस नॉइज को कट करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा ट्रेंड क्या होता है। तो चलिए पहले ट्रेंड को समझ लेते हैं। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। जब बाजार हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा होता है तो हम इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ऐसे ही बताया, जब लोअर लो और लोअर हाई बना के नीचे आ रहा होता है तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड।
जब बाजार एक रेंज में फंस जाता है तो उस रेंज में फंसे हुए बाजार को हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो जब बाजार ऊपर जा रहा है तो आपको बाय का ट्रेड लेना है। हम क्या गलती करते हैं, बाजार ऊपर जा रहा था जैसे नीचे है हम शॉर्ट कर बैठते हैं, हमको नहीं मालूम वापस ऊपर जाने वाला है, हमको यहाँ पे बाय करना चाहिए, इसके आसपास बाय करना चाहिए। ये स्टडी है, ये प्रोफेशनल स्टडी है, ये ओवरनाइट आपको नहीं समझ आएगी, इसके लिए आपको किसी न किसी से सीखना ही होगा, खुद सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हमारी मास्टर क्लासेस चलती रहती है, 24 अप्रैल की दिल्ली क्लास आप आ सकते हैं। तो बेसिकली अप ट्रेंड में सेल का ट्रेड लेंगे तो फंसेंगे ही फंसेंगे, डाउन ट्रेंड के अंदर में बाय का ट्रेड लेंगे तो फंसेंगे, नुकसान होने की गारंटी है। साइडवेज मार्केट में अगर आप ऑप्शंस परचेज करके बैठेंगे तो गारंटेड आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग की जाती है, ऑप्शंस बाइंग नहीं की जाती। तो साइडवाइज मार्केट क्या है, अप ट्रेंड मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड मार्केट क्या है, ये सीखना होगा आपको। सबसे पहले पूरा फोकस आपको इसके ऊपर लगाना चाहिए कि बाजार का ट्रेंड क्या है, आज का मूड क्या है। बाजार ऊपर के मूड में बैठा है तो शॉर्ट का ट्रेड क्यों ले सकते हैं, आपको हीरो नहीं बनना है, आप समझिए, आपको बिल्कुल भी हीरो नहीं बनना है। आप सोचेंगे मैं सुपरमैन हूं और अच्छा ट्रेड लेके दिखाऊंगा लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ट्रेड लेना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं यार अपना P&L दिखा, अपना ट्रेड दिखा, तूने क्या किया, इसके ट्रेड को कॉपी कर लेते हैं, बंद कर दीजिए। ये सबसे बकवास और सबसे बेकार स्ट्रैटेजी हो जाती है किसी की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना। अपना ट्रेड, अपनी हार्ट बीट, अपना पैसा, वही आपको सही चीज निकाल के देगा, ये समझ लीजिए दिस इज दी सक्सेस मंत्र। चलिए अब देखते हैं, हम पहले ये देखते हैं इंट्राडे में बाजार है कहाँ। जैसे बाजार को जब आप देखते हैं तो बाजार आपको फंसा हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्यों फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, एक रेंज के अंदर में है। तो ये रेंज मार्क करने आनी चाहिए, ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे बाजार डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से बाजार आता आता एक साइडवेज मार्केट के अंदर में चला गया। आप देखिए है ना, बहुत क्लियर है, जब बाजार यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसके बाद बाजार कंसोलिडेशन में आ गया, तो कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट कहाँ होगा, या तो आपका ट्रेड बनता है इस ब्रेकआउट के ऊपर में कि जब ये रेंज ऊपर की तरफ जाती है, या आपका सेल का ट्रेड बनता है इस ब्रेकआउट से नीचे में, इस रेंज के नीचे में। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है, इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है, फिर आपको देखना होगा कि कहीं मेजर सपोर्ट के नीचे थोड़ा बड़ा ब्लफ तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सब सारे सवाल, घबराइए मत, आपको आसान कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था बिल्कुल आसान कर दूँ आपके लिए। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले कैंडल स्टिक्स के को चेंज कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक्स को चेंज करके आप नॉर्मल कैंडल से इसको हाई कैंडल एसी पे लगा के रखिए। एक साइड में एक सब विंडो आप खोल सकते हैं जहां पे आपको समझ में आएगा कि बाजार का ट्रेंड क्या है। अब इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि कैंडल्स कितने तरह की होती हैं हैकेनेशी में। हैकेनेशी में कैंडल सिर्फ और सिर्फ तीन तरह की होती हैं, एक आप हमारी होगी बुलिश कैंडल, एक हमारी होगी बेरिश कैंडल, और एक होगी हमारी स्टे इन योर ट्रेड कैंडल। तो आइए समझते हैं कि हैकेनेशी कैंडल्स कैसे दिखती है। जो आपकी बुलिश कैंडल होगी उसमें जो बॉडी सॉलिड होगी बट विक ऊपर की तरफ में होगी। बियरिश कैंडल जो होगी, जो डाउन ट्रेंड की कैंडल होगी, वो रेड होगी बट उसकी विक नीचे होगी। आप देखेंगे जब नीचे वीक होती है तो आप बुलिश ट्रेंड आप एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल कैंडल से, बट यहाँ पे उल्टा रहेगा। और जो कंटिन्यू करने को कहेगा, होल्ड योर ट्रेड कहेगा, उसमें विक ऊपर नीचे होगी, वो डॉजी कैंडल का टाइप होगी, उसकी बॉडी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। चलिए इनको एक बार देख लेते हैं कि ये कैंडल्स हमें दिखती हैं या नहीं दिखती हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन बुलिश कैंडल है उसमें नीचे कोई विक नहीं है, नीचे में कोई विक नहीं है, यहाँ पे विक नहीं है, यहाँ पे भी कोई विक नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड में बने रहना है, यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहना है, यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहना है, यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहना है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे होल्ड योर ट्रेड। कैसे, क्योंकि ये अभी डॉजी कैंडल है, दोनों तरफ विक है, बट नेक्स्ट कैंडल में आपको यहां से एग्जिट होना है, जो बाय का ट्रेड था उसको एग्जिट होना है, सेल के ट्रेड में बैठना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में कोई विक नहीं है, नेक्स्ट कैंडल में भी नहीं है, 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 नहीं है। बाइंग कैंडल जब आती है तो इस कैंडल पे आप एग्जिट करते हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है आपको, 17,640 के आसपास से आपको 17,540 मतलब 100 पॉइंट्स का ट्रेड आपको मिल जाता है। 100 पॉइंट में से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 50 पॉइंट, जैसा आपका मन करे आप वैसे एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद में नेक्स्ट में नो ट्रेड जोन। अब बाइंग अगर आप बाय आपने कर लिया तो बाय में फिर आप होल्ड रहेगा, फिर बाय आपका होल्ड है, फिर होल्ड है, होल्ड है, होल्ड है, होल्ड है, होल्ड है, और बाय आपका एग्जिट है। तो यहाँ पे इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस हिट होता है, जो एक नॉर्मल सा स्टॉप लॉस है। आपको सेल नहीं करेंगे तो फिर देखिए सेल का ट्रेड कम से कम आपको और नीचे तक लेके जाएगा, करेक्ट। अब बाइंग सेलिंग तो आप कर लेंगे इसके बेसिस में, पर अगर आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट और मिल जाए तो आपका ट्रेड बहुत जबरदस्त हो जाएगा। कहीं पे भी आप कर सकते हैं इसको, हम बैंक निफ्टी देखने की कोशिश करेंगे, ऑप्शंस पे, स्टॉक्स पे भी देखने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाते हैं, फेवरेट इंडिकेटर जो आप हमेशा से यूज करते हैं बट उसका बेस्ट यूज आज करेंगे, MACD, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। यहाँ पे दो तरह की लाइन होती है, एक ब्लू लाइन, एक रेड लाइन।
ब्लू लाइन को फास्ट लाइन कहा जाता है, रेड लाइन को स्लो लाइन कहा जाता है, एक हिस्टोग्राम बनता है, हिस्टोग्राम के की जो लाइन रहती है वो जीरो लाइन रहती है कहा जाता है, जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड चल रहा है तो बुलिश है, जीरो लाइन के नीचे चल रहा है तो बेयरिश है, जीरो लाइन के ऊपर एक क्रॉसओवर आता है तो उसको सेलिंग क्रॉसओवर एक कन्फर्म क्रॉसओवर रहता है, और जीरो लाइन के नीचे में अगर कोई क्रॉसओवर आता है तो उसको हम कन्फर्म बाइंग क्रॉसओवर मानते हैं। बट इसको एग्जैक्टली दोनों को क्लब कैसे करना है वो समझ लीजिए। दोनों को क्लब करने के लिए आपको ये देखना है कि जब भी अबे क्रॉसओवर्स आते हैं एमएससीडी के ऊपर में, देखिए एमएससीडी का एक क्रॉसओवर आया, पर क्या इस क्रॉसओवर से पहले या बाद में आपको हैकेनिशी ने कोई सिग्नल दिया है? अब यहां पे अगर देखने की कोशिश करेंगे हम तो बहुत अच्छे देख सकते हैं इसी कैंडल के ऊपर में हमारा, इससे पहले दो कैंडल पहले ही हमारे पास में हैकेनिशी ने कंफर्म कर दिया था, तो बेसिकली हैकेनिशी के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते थे और उस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बेयरिश क्रॉसओवर हमारा जीरो लाइन के ऊपर में, जीरो लाइन के ऊपर में बेयरिश क्रॉसओवर आया तो दिस विल बी अ परफेक्ट ट्रेड, राइट? तो यहां पे स्टॉप लॉस क्या लगाना होगा? अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपका जहां पे सेलिंग ट्रेड आपको मिल रहा है उससे प्रीवियस हाई जो भी है, जो भी प्रीवियस हाई है वहां पे आप अच्छा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दिस वुड बी माय स्टॉप लॉस, ये स्विंग जो हाई रहा है पिछले 15 मिनट में या 10 मिनट में जो भी हाई रहा है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर मुझे निकलना ही निकलना है। दिस हैज टू बी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी फॉर द इंट्राडे, राइट? चलिए इसको देख लेते हैं क्या बैंक निफ्टी के ऊपर भी ये कारगर है क्या। निफ्टी बैंक लगा के देख लेते हैं, देखिए निफ्टी बैंक हो या कुछ भी हो सेल का ट्रेड आपका क्रॉसओवर यहाँ पे आया है और वहीं एक कैंडल बाद यहाँ पे क्रॉसओवर पहले आपके पास में आ रहा है इस पॉइंट पे और उसी के बाद में एक कैंडल के बाद में यहाँ क्रॉसओवर आपको मिल रहा है और एक कैंडल के बाद में यहाँ पे आपको सेलिंग का भी ट्रेड आपको कन्फर्म मिल रहा है, राइट? ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी के ऊपर भी लगती दिखाई देती है और आपको निफ्टी ऑप्शंस लगानी, फॉर एग्जांपल आप किसी भी 17,500 की कॉल ऑप्शन को एक देखने के लिए देख लेते हैं, 17,500 की कॉल ऑप्शन लगा के देखते हैं निफ्टी अप्रैल की, तो देखिए ऑप्शंस में भी कैसे बढ़िया ट्रेड हो सकता है, पर आपको पता होना चाहिए किस ऑप्शन में काम करना है। वहीं ऑप्शंस में काम करते हुए जब सेल का ट्रेड आपका यहाँ पे आ रहा है ना, और आपका क्रॉसओवर भी आपका एक कैंडल बाद क्रॉसओवर भी आ रहा है तो यहाँ पे आपके एक परफेक्ट ट्रेड बन जाते हैं गाइस, राइट? उसको आप होल्ड कर सकते हैं, पिछले स्टॉप लॉस के बाद में पिछले हाई को स्टॉप लॉस लगाइए, बाय किया है तो पिछले लो को स्टॉप लॉस लगाइए, ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं, रिलायंस लगा के देख लेते हैं, कुछ भी अंडरलाइन कुछ भी हो स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम रहेगी। तो आई होप गाइस इंट्राडे की स्ट्रेटजी आपको बहुत काम देगी, कुछ दिन इसको बैक्टर सीधे ट्रेड में लाने से पहले देखिए कि स्ट्रेटजी वाकई काम करती है कि नहीं करती। स्टॉप लॉसेस होंगे इंट्राडे में, स्टॉप लॉसेस होंगे, कोई भी परफेक्ट ट्रेड नहीं हो सकता है। स्टॉप लॉसेस को अवॉइड करने के लिए आपको ऑप्शन चेन को स्टडी करना आना चाहिए, आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने आनी चाहिए। बट अगर आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो लर्निंग की बहुत ही जबरदस्त वीडियो है गाइस, सीखिए ट्रेड कीजिए प्रोफेशनली। सीखने के लिए आप कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, हम हमेशा क्लासेस हमारी चलती रहती है कभी भी किसी भी स्टेट में, मेरी कोई दिल्ली में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां मैं बुला के आपको स्टडी कराता हूं, बट हां मैं आपसे मिलने के लिए आता हूं। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं पर्सनली 1-to-1 बैठ के पूरे फुल डे मेरे साथ ब्रेकफास्ट लंच के साथ में सीखना चाहते हैं कि भी सुबह बैठेंगे और शाम को उठेंगे 6 बजे तक, 9 घंटे के आसपास हमारी फुल डे सेशन होने वाला है, तो दिस इज द मास्टर क्लास विच यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, यही वो क्लास जिसकी आपको जरूरत है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी दिल्ली में 24 अप्रैल को, और उसके बाद बाकी स्टेट्स का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखनी पड़ेगी, और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, आप वहां भी ज्वाइन करके सबके लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिए। दोस्तों एक और अनाउंसमेंट, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर फ्री में आपको यूज करके देखना है तो आप उसके लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक, उनमें किसी के साथ भी मेरे लिंक से आप अकाउंट खोलेगा, हमें उसका प्रूफ दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर आपको हम उसका एक्सेस उस महीने के लिए दे देंगे जिस महीने आप एक्टिव रहेंगे। आपको एक्टिव रहना होगा, वहां पे आपको ट्रेडिंग करनी होगी। आप ट्रेड तो कहीं करते ही हैं तो उस ट्रेड को आप यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। एक और चीज आपके लिए है, अगर आपको इंट्राडे का स्क्रीनर चाहिए जहां पे इंट्राडे में हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो वो स्क्रीनर भी फ्री में आपको दे रहा हूं मैं। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम अपनी सिटी, मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पे आ ही रहे हैं, तो वो स्क्रीनर भी आपसे बिना सवाल पूछे आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा बिल्कुल एकदम फ्री। मेरे साथ जुड़ने के बहुत तरीके हैं गाइस, मिलते रहिए, और 9:15 पे डेली लाइव आते हैं हम, मार्केट की एनालिसिस लाइव करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपकी ट्रेड लेंगे, आपके ट्रेड्स में प्रॉब्लम कहां है, ट्रेड फंसे हुए हैं तो कहां तक उसको होल्ड करना है, कहां लॉस बुक करना है, कहां निकल ही जाना चाहिए, कहां बने रहना चाहिए, ये पूरा एक इमोशनल सपोर्ट आपको मैं देने वाला हूं लाइव मार्केट के दौरान में। तो रोज मिलिए सुबह 9:15 में और अपने ट्रेड्स में आसानी से बैठिए बिना किसी डर के, मेरे साथ डरना मना है। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।